हमारे बड़े कजन की शादी थी अच्छा एंड हमने काफी एंजॉय किया। exactly, जो आपकी बात है, अभी जो न्यू जनरेशन है ना, वो हमारी 90% यही थॉट करते हैं, भाई कुछ करना है ना तो हम वीजा लगवा के बाहर जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सवेरा मूसा डार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, होप सो ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की स्टोरी ये है कि इस टाइम हम लोग चांदबाग कॉलोनी में मौजूद हैं। इसका थोड़ा सा व्यू दूंगी आपको, ठीक है, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इस कॉलोनी में आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या मिल सकता है। थोड़ा थोड़ा व्यू देती हैं। इस टाइम ना मैं आई थिंक ब्लॉक सी में हूँ, ठीक है, और आए साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरे साथ है मियाँ जी, मूसा जी के साथ हम लोग मामू के घर आए थे एक्चुअली। उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, ठीक है, और आपको उनका फीडबैक भी देंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। वेलवेटी फ्लावर्स, नाइस है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लगे हैं। आई थिंक ये तो एलोवेरा है प्रॉपर, और इनका नहीं मुझे पता। ये हमारी थी मेमोरीज, हम लोग प्लग कर लेते थे और फिर घर जाकर यूज़ करते हैं। सो अभी हम मूसा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप सुनाए मैम, क्या हाल है? बहुत तेज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? नथिंग स्पेशल, कासिम मामू के पास आए हैं, रात की पिक्चर्स थी उनके पास इवेंट की। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा इवेंट के अबाउट थोड़ा बताइएगा, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि कौन सा इवेंट था, सो कुछ गाइड करें। हमारे बड़े कजन की शादी थी अच्छा, एंड हमने काफी एंजॉय किया रात को शादी को, एंड बस हमारी शादी क्या था, निकाह था? निकाह था, हाँ। निकाह था। अच्छा, कहाँ पर था ये? शामल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। ताजमहल, सुल्तान महल की मूसा जी, वो ही करो ना। ओके, महल 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 था। चलें, ये मेरी मिस्टेक भी करेक्ट हो गई है। अच्छा, तो इस टाइम हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं? हम मौजूद हैं चांदबाग में। अच्छा, तो ये आप मुझे बता सकती हैं ब्लॉक कौन सा? मैंने अपने व्यूअर्स को ब्लॉक सी बता दिया है, वही कहते हैं वही। सो माशाल्लाह, यहाँ पर ना मैं आपको घर दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा घर है, इसके साथ एक और घर बहुत अच्छा है। तो मामू कासिम भी आ गए हैं, तो उनसे भी मुलाकात करते हैं। ये माशाल्लाह से आउटलुक बहुत प्यारी है जी। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने आपको बताया था कि अभी हम मामू कासिम के घर आए हुए हैं, तो वो आ गए हैं। सो आज आएँ, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे कुछ एक्सपीरियंस पूछते हैं उनकी लाइफ का, कि और साथ में उनसे फीडबैक भी तो लेना था चांदबाग का, उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपने मुझे मामू कहा, ठीक है, तो अपने वो अल्फाज वापस ले, आप भाई पे आ जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। चले, मैं अल्फाज वापस लेती हूँ, भाई कासिम के पास आए। भाई कासिम जी, बिल्कुल। तो आपने मेरे से दो चीजें पूछी हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा है कि आप चांदबाग में जो है ना, आपके मामलात कैसे जा रहे हैं और आप इसको कैसे जो है वो देखते हैं, और दूसरा आपने लाइफ का एक्सपीरियंस पूछा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं चांदबाग पे जो है ना रिव्यू करूंगा। बेसिकली आपको पता है कि जैसे मैं ओवरसीज में जो है ना मैं रहता हूँ शायद 10 साल से, तो चांदबाग में आकर मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मुझे ये लगा है कि मैं उधर ही हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि इधर शोर नहीं है, पीसफुल है, और मतलब आप फैमिली के साथ बाहर बैठ सकते हैं, आपकी खवातीन की सिक्योरिटी है, आपके बच्चों की सिक्योरिटी है, ठीक है। और एज कंपैरेटिव अगर आप जगह के रेट देखें तो आपको वही रेट मिलते हैं जो आपको बेसिकली किसी मोहल्ले में मिलते हैं, ठीक है। तो हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिली को सिक्योर करे, ठीक है, उनकी खवातीन ईजीली मूव कर लें, ठीक है। और उसके बाद इधर शॉप भी अभी ये डेवलपिंग प्रोसेस पे है। अगर आप एज कंपैरेटिव दूसरी कॉलोनीज में देखें तो अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता जो है ये ग्रो अप करेगी। और मैं तो सजेस्ट करूंगा लोगों को कि वो चांदबाग में जो है ना, आप जो रेट चल रहे हैं इन रेट्स पे जो है वो अपना घर बनाएं, और उनको इंशाल्लाह फ्यूचर में बेहतर हो जाएगा। और दूसरा आपने लाइफ का एक्सपीरियंस पूछा था, तो वो एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, हमेशा वो कहते हैं कि लाइफ हमेशा जो है। मैं आपकी एक बात काटी, जरा कैमरा मूसा जी को होल्ड करवाते हैं, मैं जरा आपके साथ बैठना चाहती हूँ। ऑलमोस्ट कितने इयर्स आपने वहाँ पर स्पेंड किए हैं? कंट्री का नेम? जी, मैं बेसिकली पिछले 12 साल से जो है वो साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और मुझे हाँ बिल्कुल वन डिकेड। ओ माशाल्लाह जी। कैसा रहा आपका वो वाला एक्सपीरियंस, और आप अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से तो क्या डिफिकल्टीज वहाँ पर आपको पेश आई, यहाँ पर आकर आपको क्या डिफिकल्टीज आई?
असल में मैं अगर साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान से कंपेयर करूँ, पहली बात तो यह कि ज़ाहरा पाकिस्तान हमारा अपना कंट्री है और जो मदर लैंड होती है तो उसका तो कोई नेमल बदल नहीं होता, लेकिन ज़ाहरा ज़िंदगी चलाने के लिए आपके जो माली मामलात होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं पाकिस्तान में भी काम करता रहा, मैं ये कहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना वो आपको ओवरसीज़ में ज़्यादा मिल जाती हैं, उधर मौके ज़्यादा हैं और उधर आपको काम करने में आसानी होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सॉरी बेशुमार लोग जो है वो पाकिस्तान में मेरे से ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ठीक है, लेकिन उनको वो नहीं मिलता जो वो वर्थ करते हैं। सही बात है। तो असल में पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपने मुल्क में नहीं मिलता फिर हमें अपने माली मामलात को बेहतर करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। जो आपकी बात है, अभी जो न्यू जनरेशन है ना वो हमारी 90% यही थॉट करते हैं भाई कुछ करना है ना तो हम वीज़ा लगवा के बाहर जा रहे हैं, मतलब बाहर जाकर कुछ करना है। बेसिकली देखें अगर आपने जो फैक्ट एंड फिगर देखे हों तो तकरीबन हर साल मिलियंस की तो हाफ मिलियन के करीब जो है वो नौजवान जो है वो ओवरसीज चले जाते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अगर तो 3-4 लोग 5-6 लोग या 100-200 लोग जाएँ तो फिर हम बोलें कि हम अपने मुल्क में भी जो है वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अब ज़ाहिर इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते। इतने लोगों के डिसीजन जो है अगर वो इधर से फ्लाई कर रहे हैं तो इट्स मीन कि इधर अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिंपल है। इन कंस्ट्रक्शन है, लोकेशन बहुत दूर है, घर बनेगा वो पीछे पुली के पास। बिल्कुल, तो अभी मेरा घर बनेगा। बेसिकली ये मैंने रेंट आउट करा, उसकी रीजन ये थी कि मैं अपना घर तमीर करवा रहा हूँ तो मुझे आने जाने में जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पास ही रहूँ। अच्छा। काम हो रहा है, इंजीनियर्स वगैरह लगे हुए हैं तो उनको बंदा जो है ना देख लेता है, वो चीज़ों की ज़रूरत होती है तो बंदा इजीली जो है ना मैनेज कर लेता है। तो इंशाल्लाह वो बनेगा, वो बने बड़ा ज़बरदस्त का जो है ना मैंने वो नक्शा वगैरह बनवाया। अच्छा, वो रेडी हो गया? नक्शा रेडी हो गया, अभी नक्शा रेडी हुआ, नक्शा अभी बेच काफ़ी जो है ना उसका वो काम शुरू भी हो गया। उम्मीद है कि 2-3 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम उसको फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 ईयर तो आपका कहीं नहीं जाता ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छा घर बनाने की कोशिश करें तो आपने कहा 2-3 मंथ्स में ये रेडी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप के पास कितने पैसे हैं और आप उसको कितनी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है घर बनाने में, अगर आप उसको 3 माह में ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप उसको साल में करना चाहते हैं। असल में बेसिकली जो लोग डिले करते हैं वो क्या करते हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत महंगाई है और पता है आपको घर तमीर करना आजकल नामुमकिन है, अननेसेसरी जगह के रेट जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं उनको स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है, पहले ज़मीन ली फिर उसके बाद उसकी बुनियादें रख ली, बुनियादों के बाद फिर कुछ पैसे आए तो उसको फिर लेंटर डलवा लिया, इस तरह से वो जो है ना टाइम कंज्यूम होता है। अदरवाइज अगर आपने कोई 5 मरले का डबल स्टोरी घर बिल्ड करना है, इस टेक मोर और लेस 2-3 मंथ। ओके ओके, नहीं ठीक है जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरे चलें खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।